Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zameer. Today we will see page number 34 of your My English book 7. तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी किताब का पेज नंबर 34 देखेंगे. अब इस पर सबसे पहले हमको मिलता है लैंग्वेज स्टडी कॉमन नाउंस 3. अब कॉमन नाउंस के बारे में तीसरी जो चीज़ है वो हम आज देखेंगे. कॉमन नाउंस कैन बी क्लासिफाइड इन वन मोर वे. कॉमन नाउंस को और एक किस्म में जो है तकसीम किया जा सकता है, कॉन्क्रीट नाउंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस. कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउंस स्टैंड फॉर थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली टच और सी. कॉन्क्रीट नाउंस ऐसे नाउंस होते हैं, ऐसे इसम होते हैं जिसको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं. जैसा कि मिसाल के तौर पे स्कूल, होम, कार्ड्स, बटरफ्लाइज, चाइल्ड, ये सबको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स स्टैंड फॉर आइडियाज, क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस एट्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा कि आइडिया, क्वालिटी, किसी भी किस्म की खूबी, फीलिंग्स, जज्बात, एक्शंस, हरकतें वगैरह. मिसाल के तौर पे लाइफ, लाइफ ये नाउन है लेकिन ये हम इसको छू सकते नहीं, देख सकते नहीं, ये इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. टाइम, यूनिटी, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, मूवमेंट, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है? ऐसे चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, इसलिए ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कैन यू स्पॉट एटलीस्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. नीचे पैराग्राफ में आप जो है 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ढूंढ सकते हैं क्या? तो ढूंढ सकते हैं. वी पुट द प्लान ऑफ एक्शन इन मोशन इमीडिएटली. यहाँ पे प्लान है. उसके बाद वी रीड दिस विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सीक्रेट. ये एक है सीक्रेट. उसके बाद वी वांट टू गिव मिसेस देसाई अ सरप्राइज. ये एक है. ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउंस है. चलिए आगे देखते हैं कॉमन नाउंस 4. कॉमन नाउंस 4, अब इसकी चौथी एक जो है खूबी या क्लासिफिकेशन हम देखते हैं. नाउ यू नो दैट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउंस हैव एस, ईएस और आईएस एट द एंड. आप जानते हैं कि नाउन की प्लूरल बनाने के लिए, जमा बनाने के लिए आखिर में एस, ईएस या आईएस लगा हुआ होता है. बट द प्लूरल्स ऑफ सम नाउंस आर फॉर्म डिफरेंटली. लेकिन कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिसके प्लूरल बनाने के लिए एस, ईएस या आईएस नहीं लगाया जाता. दे आर कॉल्ड इररेगुलर प्लूरल्स. उन्हें इररेगुलर प्लूरल्स कहते हैं. लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म्स. नीचे दिए गए फॉर्म्स देखिए. जैसा कि चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए चिल्ड्रन लिखा गया है. यहाँ पे हम चाइल्ड्स या चाइल्डेस या चाइल्डीज नहीं लिखते. यहाँ पे मैन का प्लूरल मेन, वुमन का प्लूरल विमेन, माउस का माइस, फूट का फीट, लीफ का लीव्स. इस तरीके से कुछ जो नाउंस होते हैं उनका प्लूरल अलग तरीके से बनता है. कलेक्ट एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर, रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल्स एटलीस्ट 20 ईच. रेगुलर और इरेगुलर प्लूरल के कम से कम 20-20 मिसालें आपको कलेक्ट करना है, जमा करना है. ठीक है, आगे देखेंगे हम 2 मिनट्स ऑफ ओरल वर्क. 2 मिनट ज़बानी काम के लिए. टेल अस एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल रिलेटेड टू द गिवन वर्ड्स विद इन 2 मिनट्स. जो नीचे अल्फाज दिए गए हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आप 2 मिनट में कितने लिख सकते हैं लिखना है. जैसा कि लाइट, लाइट के एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे. लाइट से ताल्लुक़ रखने वाले ब्राइट, स्टार, डे, बल्ब. वैसा ही अर्थ, टर्बाइन, स्लीपी, पिजन्स, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज जो है आपको लिखना है. तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है. कल हम यूनिट
2 आपका शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।